अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल AMS Services। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भाई अलीबाबा से और इसके अलावा ऐसी कौन सी वेबसाइट हैं जहां पर आप पाकिस्तान में घर बैठे सामान जो है सस्ते से सस्ता सामान जो है वो घर मंगवा सकते हैं। ठीक है, काफी सारे लोगों का इशू था कि सर वीडियो बनाए और बताएं कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो अलीबाबा के अलावा भी सस्ती हैं। अलीबाबा जो प्रोडक्ट हमें दे रहा है उससे भी 10 गुना सस्ते प्रोडक्ट जो है और चाइनीज वेबसाइट जो है वो हमें दे रही है। ठीक है, और उनका प्रोसीजर भी बहुत ही इजी है, जिस मेथड से आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो घर मंगवा सकते हैं। ठीक है, इजी मेथड है, ये आपको मैं डिस्कस करता हूँ कि अलीबाबा से कैसे मंगवाना है और इसके अलावा कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप चाइना से सोर्सिंग कर सकते हैं, वो भी सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट और कम इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, एक तो आपने जब अलीबाबा से सोर्सिंग करनी है वो तो यहाँ से आपने देख लेना है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो वेरीफाइड सप्लायर है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ से ये आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ये वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये वेरीफाइड नहीं है, 13 साल इसको होने वाले हैं। ठीक है, ये वेरीफाइड है, तो ऐसे सप्लायर्स आपने ढूंढने हैं जो वेरीफाइड सप्लायर हो। ठीक है, अलीबाबा पे भी जब आप सोर्सिंग करते हैं उसके बाद जब आप अलीबाबा सर्च करते हैं तो स्टार्ट के ऊपर आपको एक वेबसाइट आ जाती है madeinchina.com, ये अलीबाबा से भी ऊपर की वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स खड़े हैं, कैटेगरी वाइज है। ठीक है, ऑल कैटेगरी आपको लिख करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे जो है प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये सारे। ठीक है, तो ये madeinchina.com है। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो सोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, ये सारे मेड इन चाइना जबरदस्त वेबसाइट जा रही है। ठीक है, इस टाइम तो आप इधर से जो है वो सोर्सिंग करवा सकते हैं, प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं घर बैठे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने मोबाइल के जरिए आपने किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना है और किस तरीके से पेमेंट करके किस तरीके से अपने पाकिस्तान के अंदर जो है कैश ऑन डिलीवरी या पेमेंट ऑफ पेमेंट जो करके किस तरीके से सामान मंगवाना है। ठीक है, madeinchina.com वेबसाइट आ गई, उसके बाद अलीबाबा वेबसाइट आ गई। ठीक है, यहाँ डिफरेंट कैटेगरी के जरिए जो है वो आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद आती है जी 1688, सिंपल आप 1688 लिखेंगे तो आपके सामने जो है ये अभी भी मेड इन चाइना फर्स्ट के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये 1688 है। ठीक है, इसको आप लैपटॉप के अंदर जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका वो आपने नहीं करना है। यहाँ पर भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और बहुत ही कम रेट है इनका, ये सारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो यहाँ से भी आप जो है वो प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त वेबसाइट्स हैं ये तीनों वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट्स है जो सोर्सिंग बहुत अच्छी करके देंगी आपको। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स हैं तीनों। ठीक है, इसके अलावा और भी वेबसाइट हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने चाइना से कहाँ से माल मंगवाना है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ अलीबाबा से मंगवाएं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, जो आपको इस वीडियो के अंदर और नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से सोर्सिंग करनी है तो इजीली सोर्सिंग हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपने ऑर्डर प्लेस करना है। अगर इसके रिलेटेड कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।